जैसा कि आपको पता है, हमने रिसेंटली एक गाड़ी खरीदी है होंडा सिविक रीबॉर्न, जिसका निकनेम आपके भाई ने रखा है रॉकी। तो रॉकी के कुछ काम भी थे। एज यूजुअल सबसे पहले हम उस गाड़ी को वर्कशॉप लेके गए और हमने अपने हाथों से उस गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी सर्विस की और प्लग्स निकाल के भी देखे। अब आया सवाल। सेकंड स्टेप में हम गाड़ी को बिलालगंज लेके गए और जो गाड़ी में से मिसिंग बॉडी पार्ट था हमने वो बिलालगंज से परचेज किया और आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाई। साथ ही साथ हम वर्कशॉप गए और सारी सामान हमने गाड़ी में फिक्स करवा लिया। अब ये पॉइंट आ गया कि हमने ये गाड़ी तैयार करनी है और तैयार करने में हमने अपने आप को दिया है एक चैलेंज। वो चैलेंज क्या है आगे जाके आपको पता चल जाएगा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसे रही अच्छे मजे में जिंदगी से आपकी ठीक गुजरी है? आज बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आएगा, चांस आने वाली है आज के ब्लॉग में। थंबनेल टाइटल से तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन गाइस, बड़ा मजा आने वाला है आज। जेन्युइन आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ कि जो इसके साथ करने लगे हैं ना, उसके बाद मजा बड़ा आना है गाड़ी चलाने का लॉन्ग रूट पे। आज हम गाड़ी के साथ वो करवाने जा रहे हैं जो कि 2010 में होंडा इस गाड़ी के अंदर लगा के बेच सकती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी इस गाड़ी में लगा के बेच सकती थी, लेकिन पाकिस्तानी जो है उससे महरूम रहते हैं, क्योंकि हम जो है ना बड़े मस्कीन से लोग हैं, मजलूम लोग हैं, हमारे ऊपर ये कंपनी वाले जुल्म डालते हैं। हम क्या करते हैं, हम लालच में आते हैं कि यार ओन छोन ये वो, और मार्केट हिला के रख देते हैं गाड़ियों की सारी। तो आज हम वो करवाने जा रहे हैं जिससे गाड़ी को एक स्पोर्ट्स फील दे, जो चलाने का मज़ा आएगा चसाने वाली है, पेडल शिफ्टर्स, बड़ा मजा आने वाला है। साथ ही साथ मीटर हमारा रेड होगा, साथ ही साथ क्रूज लगेगा, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स लगेंगे। मैं कहता हूँ चस आ जाएगी गाइस, चस आ जाएगी, कंप्लीट पैकेज मैं करवाने लगा हूँ। लेट मी एक्सप्लेन कि मैं क्या करने जा रहा हूँ गाइस। मैजिक चेक करें, मैजिक मैजिक गाइस, मैजिक मैजिक। अभी नहीं, अभी रुको रुको यार, चुटकी तक तो वेट कर। ये देखो 1, 2 and 3, ऐसे ही मैजिक हो जाता है। ऐसे तो नहीं होता है मैजिक ऐसे यार, मैजिक थोड़ी ऐसे होते हैं। अभी हमने शेखुपुरा जाना है, यहाँ से कुछ 100-150 किलोमीटर दूर, ठीक है 100 किलोमीटर मेरा ख्याल है हार्डली, और उसके बाद जाके हमने ये करवाना सारा कुछ। अब वो करवाना क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। तो बॉयज आज हम करवाने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका ये ऊपर वाला मीटर आप देख रहे हो ये भी ब्लू है, नीचे वाला भी ब्लू है। स्टॉक जिस तरह का आता है रिबॉन में, क्लोजअप शॉट्स में आपको दिखा रहा हूँ, साथ साथ देखते रहो। और हम इसको करवाने लगे हैं रेड, टोटल कंप्लीट मीटर ऊपर नीचे से रेड हो जाएगा विद वाइट टच, बहुत खूबसूरत लगता है वो मीटर। साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे क्रूज कंट्रोल्स, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स। तो आज बहुत चांस आने वाली है, मजा आने वाला है मीटर चेंज करने की भी बजाय। हाँ, मीटर रेड भी होगा और मीटर चेंज भी होगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर M1 M2 भी लिखा है, जब भी आप पेडल शिफ्टर इस्तेमाल करोगे S मोड में, स्पोर्ट्स मोड में, तो यहाँ पे कोने में M1 M2 M3 लिखा आएगा, जो कि आगे जाके आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है हमारे साथ। Okay. हमें ज्वाइन कर चुके हैं कौन, हमारे बड़े अजीज दोस्त डेक्स्टर भाई। क्या हाल है सर? डीलर भाई कैसे हैं आप? ठीक है डीलर भाई, काम कर दो, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके दिए जा रहे हो बड़े बड़े यूट्यूबरों को, हमें भी ले दो यार, कोई भी आ जाए हमारी बेच दो, बल्कि लेके दिए पहले ही जाएगी तो अगली आएगी ना। खैर एनीवेज बॉयज, अभी हम जा रहे हैं, जरूरी काम ये है कि अभी जो है ना ये काम हम करवाने जा रहे हैं शेखुपुरे से, ठीक है लंबा सफर है, तेल चेंज मैंने अभी तक नहीं करवाया जब से गाड़ी ली है, लेकिन मजे की बात ये है कि इसके यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका तेल चेंज अभी होने में टाइम है, लेकिन इसके भरोसे हम नहीं बैठ सकते क्योंकि जून का तेल चेंज हुआ है, कोई पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, मैंने सुबह चेक किया बहुत ही खाला स्या तेल है, तो रिस्क नहीं लेने का, रिस्क नहीं लेते चलते हैं, तेल चेंज करवाते हैं, कैबिन फिल्टर भी चेंज होने वाला है और एयर फिल्टर पे भी नजर मारते हैं, उसको भी चेक करते हैं अगर वो चेंज होने वाला है तो वो करवा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फिर एक और काम है, ये सारे काम क्यों करवा रहे हैं आपका भाई, अभी आपको पता नहीं चला लेकिन मैं आपको समझाया था, सारे काम हम इसलिए करवा रहे हैं, हमने खुद को एक चैलेंज दिया है कि हम इस गाड़ी को 30 दिन के अंदर पूरा कम्प्लीट पैक तैयार करेंगे, और अगर हमने कर लिया तो हम अपने आप को रिवॉर्ड के तौर पे एक टूर पे लेके जाएंगे इस गाड़ी पे। सो ये वक्त बताएगा कि हम कामयाब हो पाते हैं या नहीं। 30 दिन बहुत कम टाइम है, मैं बता रहा हूँ, मेरे अपने तोते उड़ जाने इसको तैयार करते करते, तो थोड़ा डर भी लग रहा है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या ये पॉसिबल है 30 दिन में पूरी गाड़ी तैयार करना, ईच एंड एवरी थिंग। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। We'll be right back.
अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है तानुल भाई? ठीक तो नहीं है, टाइम देखें आप। टाइम ओ भाई क्या हो गया है? 4 बजे जाने हैं भाई, जिसके पास जाना है उसी ने कहा लेट आओ। ओ यार भाई से पूछ लो यार, वैसे भी नाश्ता ये 5 बजे करता है। ओ भाई भाई 6 बजे वो लाहौर से निकला। ठीक है वो निकला, नाश्ता किस सब किया बताओ। 5 बजे वीडियो एडिट कर रहा था यार, टाइम लगता है वो करता है, वो क्या कर रहा था? 2 घंटे लगे मुझे वीडियो उसके बाद एडिट करने में। टेन के पता चलो यार, अभी तो रिजवान भाई के पास भी जाना है। चलो यार आ जाओ, पूरे चले भी भाई चले, अगर आ जाओ मूड है। लेट है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, क्या हाल है, कैसे हो? सेहत तबीयत ओके? यार रिजवान भाई दो काम है, बड़े ही इमरजेंसी जरूरी काम, कर दोगे? नहीं। एक इसके शेड्स चाहिए, अगर तो वो पर्दे वाले मिल जाए ना, मुझे आगे पीछे हो जाते हैं, लगे लगे रहते हैं, या वो तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, वरना दूसरे सादे शेड दे दो। फिलहाल अभी वही करेंगे, क्योंकि आपको पता है आजकल ना पर्चा हो जाता है ऐसे ही रिंग रोड पे। एक वो दे दो, दूसरा वाइपर दे दो इसको, नहीं ठीक है। ये जो वाइपर है ना, इसके दोनों बड़े लगे हुए हैं, वो आपस में टकराते हैं, ताल से ताल मिल जाती है, ये ठीक कर दो, ये दो काम हो जाएंगे, हो जाएंगे हो जाएंगे। और काम से ठीक चल रहा है, नए स्टूडियो का स्पॉन्सर है, माशाल्लाह बेहतरीन, जबरदस्त चल रहा है, माशाल्लाह। चलो ओके, ये काम कर दो। ये आगे बॉयज हमारे ब्रांड न्यू नए वाइपर रिजवान भाई ने अपनी शॉप से लेके दिए, सबसे ज्यादा खुशी ये होती है, पहले नहीं ना होते थे अपने पास, अब सारा स्टॉक रिजवान भाई ने अपने पास आ लिया, मुझे लगता है सारों का कारोबार आपने डेड कर देना है। मैं खोखर हां, बड़ा मजे का स्टाइल है इसके वाइपर्स का भी। यार अभी भी आवाज ऊंची करी गानों की, यार मल्टीमीडिया नहीं है यार इसमें, यहाँ से हो नहीं रहा, पता मैंने के हालात हो। सो बॉयज फटाफट इसको पेट्रोल टॉप अप करवाते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट्स रह चुके हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। क्या मस्ती करी जा रहे हो? किधर जाना है आपने? शेखुपुरा। अच्छा चलो आज बैठ जा, वहीं जा रहे बॉयज हम लोग शेखुपुरा जा रहे हैं। शेखुपुरा ही क्यों जा रहे हैं? ये काम लाहौर में भी हो सकता था, मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे। बेसिकली ये शेखुपुरा जाने का मकसद, एक तो अपना बंदा है जो ये काम कर रहा है, डेक्शे भाई का कोई क्लोज फ्रेंड है, और डेक्शे भाई हैज ओन्ड रीबॉर्न बिफोर, तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि यार इस बॉय से काम करवाएं, बड़ा अच्छा काम करता है, ज़बरदस्त काम करेगा, और भी अगर कोई गाड़ी में इशू होगा तो उससे कोई डिस्कस कर लेंगे, आपकी गाड़ी क्लियर कर देगा, क्योंकि उनके गाड़ी में इशूज़ थे जो कि रिजॉल्व किए थे इस भाई ने, जिनके पास हम जा रहे हैं शेखुपुरा ये काम करवाने। चलते हैं उनसे काम करवाते हैं, देखते हैं काम कैसा होता है, हमारी पसंद का होता है या कैसा होता है, ये आपको वक्त बता देगा। बस सफर है, निकलते हैं और सफर स्टार्ट करते हैं, और भाई के पास पहुंच के अपने पैडल शिफ्टर, रेड मीटर, क्रूज कंट्रोल और मल्टीमीडिया इंस्टॉल करवाते हैं। लेट्स गो, बड़े मजे का सीन है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूं भाई। बैक लुक रिबॉन की मुझे बहुत पसंद है, बस ये लाइट नहीं चल रही इसीलिए मुझे नफरत हो रही है इससे, क्यों नहीं चल रही, अजीब बात है, लेकिन आई लव द बैक लुक ऑफ रिबॉन। लेट्स गो, सफर एंजॉय करते हैं, और आपसे एक वैगन में बैठ के आ जाना, हम जा रहे हैं। ओके चलो यार लेट्स गो। चलो जी, क्या तुम लोग शुगर लगाया हुआ तुम लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम, देख आगे बैठा हुआ इधर से हमें फसाया हुआ यहाँ पे 3 बंदों को देख। यार मैं क्या करूँ, माशाल्लाह दो दो हटे कट्टे लोग बैठे हैं, मैं क्या करूँ यार, ये भी एक बंदा बहुत मोटा हो, मेरे साथ हुआ, इसके साथ भी हुआ, बंदा बहुत मोटा हो डेक्सटर भाई जितना, क्या बंदा यूट्यूबर हो, आगे जगह मिल ही जाती है। शेखुपुरा के रास्ते में, और हमारे जो लास्ट रिबॉन का ब्लॉग था उसके कमेंट सेक्शन में हम आ चुके हैं। ये एक नया सेगमेंट है जो कि आज से कोशिश करेंगे हम ब्लॉग्स में इसको ऐड करें। ये कमेंट भाईजान हमें अली बादशाह साहब ने किया है, और वो पूछ क्या रहे हैं, चेक करें जरा है, क्योंकि ये मैं समझ रहा हूँ काफी देर हो गया, सुहेल भाई नजर भी नहीं आए कैमरे में, तो मोस्ट ऑफ यू गाइज आर मिसिंग हिम। D69 ऑफ आस्किंग वेयर इज आर सुहेल भाई विद हिज फिजिशियन स्किल्स एंड पॉडकास्ट। सुहेल भाई इसका बेहतर जवाब देंगे, लेकिन बात ये है सुहेल भाई अपने कामों में मसरूफ है, उनकी फैमिली में है शादी, इसीलिए वो व्लॉग्स में नहीं आ रहे। अब अच्छा मोस्टली लोग ना, अब ये मैं जवाब इसीलिए देना जरूरी भी है कि लोग ना फिर कंट्रोवर्सी का वेट कर रहे होते हैं कि सुहेल भाई से कोई फटा छटा हो गया, मैंने एक दो कमेंट भी इस तरह के पढ़े थे, तो इसका जवाब देना जरूरी था। टॉप 5 कमेंट जो है ना वो इंक्लूड करेंगे हम इस वीडियो में, एक कमेंट हो चुका है, दूसरे कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज वो रिम चेंज कर लो, जुम्मा 8 दिन हुए हैं गाड़ी चेंज की है, रिम्स दस्ती चेंज कर लें यार, हौसला करो, सब्र रखो, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, बहुत कुछ करेंगे इस गाड़ी के साथ करेंगे, लेकिन वक्त लगता है। अच्छा जी, तीसरा कमेंट जो है वो अब्दुल्ला ताहिर साहब ने किया, और वो ये कह रहे हैं कि कराची में जो पार्ट्स हैं, ये बिलालगंज वाली वीडियो वाली के कमेंट सेक्शन में मैं आया हुआ हूँ, और उसमें लोग ये बता रहे हैं जी कराची में पार्ट्स 30% सस्ते हैं।
हो सकता है भाई अब ये हमें नहीं पता, लेकिन ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर देते हैं कि कराची में 30% कमी प्राइसेस में कमी है और जो बिलालगंज में रेट है वो थोड़ा ज्यादा है, बहुत सारे लोगों को ज्यादा लगा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी बता दिया जाए। तो खड़ी खड़ी गाड़ी का डैशबोर्ड निकाल लेते हैं, सही थी बात है। असद खान साहब ने एक मेमोरी हमें याद कराई है, वो ये कह रहे हैं कि वीडियो के एंड पे जो हमने पार्ट डाला था जिसमें हमने सब्सक्राइब बुलवाया था सलीम साहब से, वो वाला पार्ट उनको याद आ गया जो हमने जब गाड़ी लालो पेंट करवाने गए थे और मैंने शाहिद भाई से पेंटर से अपने सब्सक्राइब बुलवाया था, तो वो उनको एक मेमोरी एक फ्लैशबैक आया। तो ये बड़े मजे का सीन है, जिनको याद है पुराने ओजीज को उनको याद होगा। जो लास्ट कमेंट हम आज की वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं वो राणा एहतशाम भाई ने किया है, इन्फॉर्मेटिव कमेंट है लेकिन मैं इसमें कुछ ऐड भी करना चाहूंगा। R18 इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंजन एवर प्रोड्यूस्ड बाय होंडा, बट बात यह है कि हमारे मैकेनिक और हमारी वहां कुछ लोग पानी में चला के इंजन उड़वा लेते हैं, ये मुझे भाई जो बात लगा रहे हैं, और कुछ लोग 20-50 ऑयल चला के। आपने बिल्कुल दुरुस्त की है बात, लेकिन आधी बात आपकी दुरुस्त है कि इंजन तो देखो रिलायबल हर कंपनी बनाती है, ये इंजन को उड़ाने के लिए नहीं बनाती कंपनी जान के, हम लोग ही इंजन खराब करते हैं। जिस तरह आप इंजन को यूज करते हो उसी तरह इंजन खराब होते हैं। जिस तरह आप गाड़ी को मेंटेन करते हो 20-50 अगर डालोगे, जो इंजन ऑयल जिस ग्रेड के लिए बना होता है आपको वही ऑयल का ग्रेड इस्तेमाल करना चाहिए, वरना आपकी गाड़ी का इंजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसकी लाइफ जो जितनी होनी थी उससे कम होगी वो लाइफ। और पानी की बात रही जहाँ तक, वो तो ये तो आप समझ सकते हो कि ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट कह लो कि एयर इनटेक का पाइप इतना नीचे लगा हुआ है कि थोड़ा सा पानी खड़ा हो तो पानी गाड़ी खींच लेती है, तो ये एक इस तरह की चीज़ है कि आपको एहतियात करनी पड़ती है इस गाड़ी के साथ। इसी के साथ इस वाले सेगमेंट को खत्म करते हैं और बाकी आपको शेखपुरा पहुँच के सी यू। सो गाइस अपडेट ये कि हम शेखुपुरा वाली अपनी वर्कशॉप पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे काम जो है वो स्टार्ट हो गया है, आए हैं और काम स्टार्ट हो गया, यही मकसद था, इसीलिए इतना लेट आए हैं। और अफान भाई ने हमें स्पेशल कहा था कि आपने लेट आना है, मैं फ्री हूँगा तो मैं आपकी गाड़ी पे ही काम करूँगा। अफान भाई सलाम अलैकुम, क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं। ये इनका रीबॉर्न खड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह देख के ना तबीयत साफ हो गई है, मज़ा आ गया रीबॉर्न देख के। रीबॉर्न हो तो ऐसा हो, और भी चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एक दफ़ा करवाता हूँ विजिट, जो मीटर हम चेंज कर रहे हैं वो कैसा लगेगा मैं आपको एडवांस में दिखाया। अभी फिलहाल ये चाबी देखो, फौरन चाबी दे दी इन्होंने, रीबर्ट स्टाइल में इन्होंने ये चाबी रखी हुई है और अपनी रीबॉर्न खोल दी है, मतलब अभी हमें आए यहाँ पे। डॉक्टर भाई कितनी देर हुई हमें आए? दो तीन मिनट हुए हैं और गाड़ी पूरी जो है ना माशाल्लाह अफान भाई ने खुलवा दी है, और इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे क्या चीज़ खुलती है, क्या चीज़ चेंज होती है, और ये खर्चा एस्टीमेट कितने का आता है सारा आपको एस्टीमेट हम बताएंगे वीडियो में, ताकि आपको आसानी हो ये करवाने में। ज़बरदस्त यार, वेरी गुड। तो ये है जी अफान भाई का रीबॉर्न, आओ जी इसमें जाके बैठ के देखते हैं। ग्रिल फ्रंट चेंज है, स्टॉक बम्पर है, किट लगी हुई है, साइड पे किट लगी हुई है, वाइट कलर में बहुत बहुत डिसेंट तैयार है और खूबसूरत तैयार है। अफान भाई आ जाओ अंदर ज़रा, हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त यार, माशाल्लाह बहुत आला, तबीयत साफ़ हो गई है स्टीयरिंग देख के। ओए यार बहुत आला यार, माशाल्लाह ज़बरदस्त। जो चीज़ बेसिकली हमारी रीबॉर्न में हो जाएगी वो आपको मैंने एडवांस दिखा दी है कि सेम एज इट इज़ जो है ना हमारा वो निज़ाम हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा इन्होंने क्लाइमेट कंट्रोल भी लगाया हुआ है जो हाइब्रिड में आता है, ये हमारी गाड़ी में लग सकता है? ये आपकी गाड़ी में बिल्कुल लगेगा, मेरी उम्र भाई से बात हुई थी, ये इंशाल्लाह लेटर हूँ मैं आपको करते। अच्छा बाद में करेंगे, कंप्लीट सेटअप करेंगे। सही लग जाता है ये गाड़ी में, डेफिनेटली लगेगा, तो वो कोई ज्यादा जाप वाला काम तो नहीं चेंज करना, आसान है। और ये स्टीयरिंग का क्या करेंगे, स्टीयरिंग तो यार ऐसा हो तो मजा आए ना, ये आपने फोर्ज करवाया हुआ है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है स्टीयरिंग, जबरदस्त, वेरी नाइस। तो आप इसको ये देख सकते हो, अच्छा इसकी एक सेकंड गाड़ी को पहले बंद कर देते हैं, बेसिकली इसको हमने डाल देना यहाँ से। अच्छा इसकी ये चीज नहीं चेंज की आपने? ये नहीं चेंज की, ये मेरे पास आई थी, उसके लॉक्स टूटे थे कुछ रफ थे, ठीक है मैंने नहीं चेंज की। सही ये भी कर देंगे चेंज इंशाल्लाह, ठीक है। ये वैसे आपकी गाड़ी में तो उसमें तो करेंगे ना आप ये वाली चीज चेंज? हाँ, करके देंगे। डन। जब आप ये गाड़ी के अंदर ये चीजें सारी करवाते हो ना इंस्टॉल, तो ये चीज भी चेंज होती है, जिसके अंदर डी से एस में जाता है आपका लिवर, और जब एस में जाता है तो आपको यहाँ पे पेडल शिफ्टर का, ये अगर हम इसको ये M1 आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, ये चेक करें M1 और पेडल शिफ्टर को चलाएंगे तो इधर से M2
और 3 एंड ऑनवर्ड्स वो आगे मैक्सिमम खड़ी गाड़ी का ना 2 तक जाएगा। अच्छा आइडल में ये 2 पे जाएगा, मतलब अगर इसको चला रहे होंगे तो ये इस तरह काम करेगा। लेकिन यार जेन्युइन मजा आ गया इसको ये देख के ना, इस तरह से जबरदस्त बहुत आला। एक और चीज है, अच्छा अगर आप ये नहीं भी ना इसका ये ट्रिम चेंज करते गियर का तो इसके ज्यादा फायदा है। अच्छा ये कि आप इसमें मैनुअल भी 1 और 2 गियर को यूटिलाइज कर सकते। लेकिन ट्रिम चेंज करके वो ना फान भाई ज्यादा हो जाता है कि यार पूरे रूम में एक चीज जो है ना अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ये भी चेंज हो तो वो ज्यादा चलेगा। एग्रेसिव लुक आती है। वैसे माशाल्लाह आपकी गाड़ी बहुत जबरदस्त है। ये कैसे करवाया यार, ये मुझे भी करके दो यार। ये करवाया नहीं है, ये मैंने 2015 से संभाला हुआ है ये बेसिकली। अच्छा मजे की बात आपको बताता हूँ, जो एंड्रॉइड ये रीबॉर्न का सबसे बड़ा मसला मुझे बुरा लगता है ना, वो ये लगता है स्क्रीन ना आगे सर पे चढ़ी होती है तो इनकी स्क्रीन पूरी उभरा हुआ था तो बड़ा बुरा लगता है। तो ये इन्होंने बिल्कुल जबरदस्त गाड़ी मैंने 8 साल से संभाली हुई है और ये भी उसके साथ ही। नहीं जबरदस्त माशाल्लाह वो गाड़ी बता रही है। ये टायर मैंने काफी चेंज किए हैं ठीक है अपनी चॉइस के मुताबिक, लेकिन ये मैंने ट्रिम नहीं चेंज किया। नहीं लेकिन गाड़ी अपना आप बता रही है और जो मीटर का स्वाद है ना। अच्छा बेसिकली इन चीजों पे ना अक्सर लोग गौर नहीं करते, लेकिन गाड़ी चलानी है आपने या गाड़ी अंदर से मजे की नहीं ना है स्वाद नहीं आता। अब वेट करते हैं अपनी गाड़ी का जिस तरह होता है और जिन स्टेप्स से गुजर के होगा आपको सारी चीजें हम बताते हैं। हबीब भाई रिबॉन की खूबसूरती ये है कि इसमें जो भी हमने चीज लगानी है वो सारी ग्रिप टू ग्रिप है। ग्रिप टू ग्रिप इसमें किसी किस्म की ऑल्टरेशन नहीं है ठीक है। हम ये इसका ये पुराना मीटर है ये उतारेंगे सही है। ये हम इसमें जनरल लगा देंगे, इसमें क्रूज और पैडल शिफ्टर की ग्रिप टू ग्रिप है एक वायर और ये रेड है। ये रेड है, ये रेड में कन्वर्टेड है, अभी ऑन होगा तो ग्लो होगा तो नजर आ जाएगा ठीक है। इसमें हम इसका ये पुराना ईसीयू निकाल देंगे। अच्छा ईसीयू भी चेंज होता है? डेफिनेटली चेंज होगा, इसमें शिफ्टर की ऑप्शन नहीं है ठीक है। जो स्टॉक ईसीयू होता है उसके अंदर शिफ्टर्स की ऑप्शन नहीं होती, इसीलिए आपका ईसीयू भी डेफिनेटली ये भी चेंज होगा और ये भी ग्रिप टू ग्रिप होगा। ग्रिप टू ग्रिप ये हमारा निकल जाएगा, ये निकल गया, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो गया। प्लस इसके साथ में वायरिंग भी ऐड, वायरिंग भी ऐड होगी ठीक है। जिस तरह वो भाई आप दिखा सकते हैं वो ऐड कर रहे हैं इसकी ठीक है ठीक है। ये हमारा सेटअप में ये बटन आ जाते हैं, ये बटन क्रूज के आगे, ये मल्टीमीडिया के आगे, इसमें ये मल्टीमीडिया के आपके कंट्रोल आ गए, डन, ये क्रूज के कंट्रोल आ गए आगे, और ये पैडल शिफ्टर, ये पैडल शिफ्टर आ गए, ये हमारे स्टीयरिंग पे ऐड हो जाएंगे। कुछ भी अल्टरेशन नहीं है, हर चीज ग्रिप टू ग्रिप है, ग्रिप टू ग्रिप। और जो रेड मीटर ऊपर वाला है वो, हाँ जी ये आपका मीटर है, ये हमारा जो उतरा है अभी गाड़ी से, ये उतरा हुआ ठीक है। इसका एक इशू रिजॉल्व करेंगे जो आपको बताया था ठीक है। इशू क्या था, इसमें रिबॉन में अक्सर मसला आता है कि स्पीड के कुछ डिजिट मिस होते हैं। हाँ, ये वीडियो में दो पिछले व्लॉग में एक बंदे ने नोटिस किया था कि आपका भी ये इशू आ रहा है और ये बारिश में मोस्टली होता है, बाद में ठीक हो जाता है। बारिश में भी होता है, और ये क्यों होता क्यों है? ये मोस्टली उन गाड़ियों में आता है जो धूप में खड़ी, उनके ये एलसीडी के प्रिंट मिस हो जाते हैं। अच्छा समझ हमें बिल्कुल नहीं आई, लेकिन आप भी कह रहे हो ये एलसीडी के प्रिंट्स होते हैं ना जो ये ग्लो करते हैं, इसकी वजह से हमें डिजिट कंप्लीट मिलता है। सही है, अगर 1 है तो 1 में 4 डिजिट है ठीक है ठीक है। इसमें 4 पॉइंट्स 1 2 3 अगर एक भी खराब हो जाएगा उसका प्रिंट खराब हो गया तो बिल्कुल ग्लो नहीं करेगा। बिल्कुल ये भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। प्लस इसके हमने रेड पत्ते चेंज कर दिए, ये जब ग्लो होगा ये रेड होगा ठीक है। जिस तरह आपकी गाड़ी का एग्जैक्टली वैसे ही कुछ भी चेंज नहीं ठीक है। अब हम चेंज क्या कर रहे हैं, अपने दोनों ऊपर नीचे वाले मीटर, मीटर स्टीयरिंग में कंट्रोल्स ऐड कर रहे हैं, क्रूज मल्टीमीडिया और पैडल शिफ्टर, और उसके साथ इन गाड़ियों में आप ये काम करवा रहे हो और कोई ऑल्टरेशन कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। और किसी बंदे के पास जाओ यार जो सही काम करता है, सीधी सी बात है, ऑल्टरेशन करोगे बाद में तंग हो गए, पैडल शिफ्टर ही आपका लटक रहा होगा, इस तरह बहुत कुछ आता रहता है, फिर हम सेट करके देते हैं, डन हो गया। इसके और भी एक दो इश्यूज हैं जो मैंने फान भाई को बताया, फान भाई इंशाल्लाह रीबॉर्न एक्सपर्ट लग रहे हैं माशाल्लाह, 3-3 रीबॉर्न इधर खड़े किए हैं, एक तो अपना माशाल्लाह इतना खूबसूरत रीबॉर्न है इनका, एक और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का है तो इसका भी काम हो रहा है, और अपनी एक आई हुई है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो होपफुली जब यहाँ से हम निकलेंगे तो गाड़ी बहुत बेहतर होगी, यहाँ से निकले इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगी। खैर गाइस काम शाम जारी है, जैसे ही कंप्लीट होता है आपको फिर फाइनल लुक जो है वो गाड़ी की हम दिखाते हैं विद इन। हां क्या कह रहे हैं अभी यार भाई उन्होंने बुलाया लेट है, मैं क्या करूं और जल्दी करनी है गाड़ी तुझे। हां क्यों ओ भाई 30 दिन में गाड़ी करनी है तैयार पूरी। चल 30 दिन हो गए, अच्छा चलो करो। 2 साल में रूटी, 2 साल हो गए क्राउन को, लालो कितनी देर में थी बचपन से। तुम लोग को यकीन नहीं है मैं 30 दिन में गाड़ी तैयार करता। सवाल ही नहीं पैदा होता गाइस, ये चैलेंज जो है ना अब ज्यादा गंभीर हो गया, सीरियस हो गया,
देखते हैं हम 30 दिन में गाड़ी तैयार, इनको तो मैंने तैयार करके स्पेशली इन दोनों को दिखानी है, ठीक है, इसीलिए हम जल्दी। वो नहीं बोला यार, कम मुकाबला सकते। एग्जैक्टली गाइस, वक्त कम मुकाबला। हाँ, इस स्पीड के बाद जिस स्पीड में ये लगा रहे हैं, अंदर वाली रेड लाइट्स दोबारा चलाएं जरा गाइस, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा रेड। अभी वो ऊपर वाला मीटर लगेगा, फिर ये ग्लो करेगा मुकम्मल। इसकी चाबी इधर ही दी गई। अच्छा, वो पड़ी है, मजे की बात, वो चाबी के बगैर भी वैसे घूम जाता है शायद। घूम तो जाएगा, स्टार्ट नहीं होगी। वो से वाले भी, वो लाल करा रहे हैं। कौन से वाले? वो क्लाइमेट कंट्रोल वाले, ये इधर वाला बल्ब भी रेड, ये भी करवा देता हूं, ये भी करवा देता हूं। जबरदस्त यार, पूरा 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 पूरा, ये भी रेड हो रही है, पूरी थीम रेड हो रही है। डन डन डन। नहीं, जो इसके अंदर मसले हैं वो आपने बताने हैं अभी, चेक करते हैं हमने, अगर हल होते कर लेंगे, वरना बाद में देखेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर ये चाबी का भी आ रहा है। नहीं, वो तो अभी इसे हम प्रोग्राम करेंगे ना। अच्छा, प्रोग्राम करना है अभी, सही है। तो बॉयज़, क्योंकि अभी ECU इसका चेंज हुआ है, अब इसकी सारी चीज़ें जो फॉल्ट्स हैं वो चेक किए जाएंगे और इनको क्लियर किया जाएगा। पूरा लीवर चेंज होगा, लीवर के अंदर गोट होती है, वो घिस जाती है, यूज होगा तो वो चेंज होगा पूरा, ठीक है। ये दिखाइएगा मुझे जो आप ये चेंज करने लगे, वो सो बॉयज़, जो पहले पेडल शिफ्टर उस पर लगा हुआ है वो आप देख सकते हो, PRND D321 का होता है, और अब इसके ऊपर S का लग जाएगा। इससे नीचे गियर जा ही नहीं सकता, इधर की जगह है ही नहीं नीचे जाने वाली। वो लग सकता है गियर, लेकिन ये है कि यहाँ से नीचे जाएगा ही नहीं, तो वो जेन्युइन काम लगता है, रूम में कोई चीज़ ऑल्टर्ड नहीं लगती। सुबह इस गाड़ी को अभी वहाँ से जैक पे उठाया हुआ है और एक व्हील हवा में है, मतलब गाड़ी चला सकते हैं फिलहाल हम, और अभी हम क्रूज लगा के चेक करेंगे। 40 से ऊपर क्रूज लगता है, 43 के ऊपर हमारा एक्टिवेट हो गया, ठीक है, डीएक्टिवेट, ठीक है, पैडल शिफ्टर पे आ जाएगा, दूसरा गियर आ गया, जैक पे दूसरे से ऊपर नहीं जाएगी, जैक पे दूसरे से ऊपर नहीं जाती, ठीक है, लगा तो वो बताता है कि व्हील्स आपके हवा में, ठीक है, हमारा सारा सिस्टम एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट हो गया, जबरदस्त। मजे की बात, अफान भाई ने एक और इंकशाफ किया गाड़ी के साथ, जो हैंकी पैंकी हुआ था वो हुआ ये था कि राइट वाला वाइपर लेफ्ट पे लगा हुआ था, लेफ्ट वाला वाइपर राइट पे लगा हुआ था, राइट पे लेफ्ट पे जो है वो बड़ा वाइपर आता है, लेफ्ट पे बड़ा वाइपर आता है, राइट पे बड़ा आता है, राइट पे बड़ा आता है, छोटे बड़े वाइपर की पहचान ये चीज होती है, इसकी ये देखिए, इसकी ये बेस छोटी है, छोटी है, इसकी बेस बड़ी, ठीक है, मतलब ये वाला इस साइड पे आता है, कैसे भी देखेंगे इसका एंगल टेढ़ा हो जाता है, सही, जिसकी वजह से आपकी सही। और मजे की बात, जब गाड़ी आई थी मेरे पास, तो इसका वाइपर भी ऊपर था, यहाँ पे था, तो मैंने वो सेटिंग करवा के नीचे करवाया था, मुजम्मिल को भी नहीं याद है कि वाइपर पुटा लगा हुआ है। ओह, अभी हम चेक करने निकले हैं मेन रोड पे गाड़ी को, और माशाल्लाह जो खूबसूरत लग रहा है मीटर, गाइस आई कैन नॉट इवन टेल इट, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितना खूबसूरत लग रहा है, एक्सपेक्ट जितना मैंने किया था ना उससे ज्यादा अच्छा ही लग रहा है, उससे बुरा नहीं लग रहा। एक और चीज, इसमें छोटी सी मॉडिफिकेशन ये है कि अफान भाई ने जो मीटर है, जो इसका रेड मीटर आता है, वो पूरा रेड होता है ना ऊपर से, जी, वो एफ भी रेड होता है उसका, और वो चीजें रेड होती हैं, हमने वो भी वाइट किया, हमने अपने कस्टमाइज किया अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने मर्जी के मुताबिक, अपने टच के हिसाब से इसको कस्टमाइज किया फान भाई ने, तो इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट, मजा आ रहा है गाड़ी में बैठ के, जो फील है ना गाड़ी की इटसेल्फ, वो बहुत मजे की। ये हमारे पैडल शिफ्टर एक्टिवेट हो गए हैं, मजे की चीज ये हुई है कि हमारी जो पुराना मीटर था उसमें कंप्यूटर में या मीटर में कोई इशू था, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज जो है हम ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। अब इस गाड़ी में कौन कौन से मसले हैं? अब इसमें ब्रदर ABS का मसला आ रहा है, ABS के यूनिट का इशू है, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, जो OBD स्कैनर हमने लगाया था वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा ABS के साथ, इसीलिए हमारा जो यूनिट है वो, शुरू से मुझे आइडिया था कि ABS में कोई ना कोई हैंगी पैंगी हुई है। अब पुरानी गाड़ी है ना गाइस, 14 साल पुरानी गाड़ी है, अब किस किस के हाथ से गुजरी है और किस तरह से गुजरी है आपको नहीं पता था, लेकिन नो वरीज, वो भी करवा लेंगे। हाँ, ये है कि 30 दिन के अंदर अंदर करना है, एक काम और एक्स्ट्रा पड़ गया है, तो वो थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता, होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इसको देखेंगे साफ सुथरा। ऑल थैंक्स टू अफान भाई, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू वेरी मच, मजा आया आपके साथ काम करके, आपका काम देख के मजा आया ऑनेस्टली। और हाँ, सबसे जरूरी बात,
अब मोस्टली जो है ना लोग जुड़ते जा रहे हैं नए नए हमारे सफर में रीबॉर्न गाइस, ठीक है। तो रीबॉर्न जिस जिसके पास है और जिस जिसने ये मॉड करवाना है, डिस्क्रिप्शन में आफान भाई का नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इनके पास बहुत नॉलेज है इस गाड़ी के रिलेटेड। अगर आपकी कोई कहीं फंसे हुए हो फोन करके रब्ता कर लो, कोई काम करवाना है इनके पास आ जाओ, शेखुपुरा लाहौर से कोई दूर नहीं है। और अगर आप किसी और भी शहर से हो मेरा ख्याल है ही विल एंटरटेन यू, आपकी ये मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आफान भाई, इजाजत दें, लंबा सफर है, हमने वापस भी जाना है और फुल भगाते हुए जाना है, एंजॉय करते हैं जैसे मर्जी भगाए। सबसे अच्छी बात यह ग्रिप टू ग्रिप काम हुआ है जबरदस्त। तो बस अपडेट ये कि हो गए हम लोग रोटी छोटी खाने आए हैं, जो स्वाद आ गया मीटर का मैं नहीं, अब यार बॉयज आपको बताएंगे। हां भाई चलाने को मिलेगी तो नहीं दे रहा मैं, हम क्या बताएं, तू पीछे बिठा दिए देखते रहो बैठ के। अच्छा रिव्यू नहीं देना अपना, बताना नहीं है कैसा लगा, चुनाव नहीं है उनको अभी पता नहीं मिलती है रस्ते उनको में, उन्होंने चार साल पहले एंजॉय कर लिया है। अच्छा हाँ जी, फिर भी कैसा लगा? मैं चलाऊंगा बताऊंगा। मीटर कैसा लगा? पीछे से देख के, पिछली सीट से देख के ना बहुत प्यारा लगा। अच्छा लगा, अभी देर ना हो जाए। अच्छा ये तू भी बता। ये रोटी खाएगा फिर ही कुछ बोलेगा, इससे वरना नहीं बोला जाना। आप बताओ बॉस। बॉस मुझे तो प्यारा लग रहा है, सारी लाइटें भी चल पड़ी हैं। हाय हाय हाय, स्वाद आ गया जीने में। रोटी आती है आपको दिखाते हैं, कढ़ाई मजेदार थोड़ी देर बाद। सो गाइस फाइनली हमारी कढ़ाई आ चुकी है आफ्टर सो लॉन्ग, भूखे पे खा के चस आ जाएगी, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। मैं तौबा कर ली, अभी इसने चाय पी है, अपनी जुबान जलाई है, वो पूरी बड़ी है, चाय पी के खाना खा रही है, पहले नहीं खाने, पहले चाय पियो यार, आप रिस्क जाया नहीं करते, आप कढ़ाई में बैठ के खाना खाओ। अरे तू पर्सनल हो रहा है अच्छा। नहीं नहीं लोगों को पता ही नहीं है, लोगों के लिए तो इतना है तू। वो खराब हो गया, उतार दी हमने। गया तो भैया वी आर बैक इन लाहौर, सारे दोस्तों यारों को ड्रॉप कर दिया है। मैं आपको काम छोटा सा एक देता हूँ, वैसे तो पता चल गया होगा आपको, ये ऊपर वाला मीटर, नीचे वाला मीटर, ये साइड वाले बटन और ये क्लाइमेट कंट्रोल वाले बटन भी। इसके अंदर हम डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल तो नहीं लगा पाए, लेकिन अफान भाई ने हमसे वादा किया कि हमें वो ये भी लगा के देंगे। और साथ ही साथ स्टेयरिंग के जो ये कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल और ये मल्टी मीडिया कंट्रोल, ये वाइट में आते हैं, उन्होंने इजाफी तौर पर इसमें क्या किया है कि ये भी रेड कर दिए हैं, तो वो बड़े मज़े का कम्बिनेशन बना हुआ है। हाँ रूम के साथ नहीं जा रहा, रूम थोड़ा बेज सा है और मज़ा भी नहीं आ रहा, इवन ये लाइट भी थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है और ये भी लाइट थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, लेकिन ये ओवरऑल बड़े मजे की रूम की फील अच्छी हो गई है, ये जो इंटीरियर करवा के सिर्फ रेड का टच देके। तो बॉयज इसी के साथ हैं भाई को इजाजत, आपका भाई तो कर रहा है जी एंजॉय ये पैडल शिफ्टर्स और इसको मजीद भी एंजॉय करना है, अभी तो फिलहाल ही एंजॉय कर रहे हैं, बहुत स्वाद करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, वो एप्रिसिएशन होती है, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है। और इसी के साथ साथ ब्लॉग को भी एंड करते हैं, ये जो छोटी मोटी लाइटें आ रही है ना मीटर पे, ये भी ठीक करवानी है। ख्याल रखें अपना बहुत सारा, डे वन गुजर चुका है, अभी ये पहला दिन हमारा गुजर चुका है, दूसरा दिन हमारा स्टार्ट हो चुका है, अब देखते हैं हमारी गाड़ी कब और कितनी देर में जो है वो पैक होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सी यू इन द नेक्स्ट वन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो को लाइक किया।